नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह 30 प्रश्न फिर मैं दे रहा हूं, जो 30 प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए या लोअर पीसीएस के लिए, मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए, राजस्थान पीसीएस के लिए, चकबंदी अधिकारी के लिए, किसी के भी लिए महत्वपूर्ण है। विशेषकर यह उत्तर प्रदेश पीसीएस और लोअर पीसीएस को हमने टारगेट किया है। यह 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, उसका उत्तर, 30 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपके सामने है। दोस्तों, स्क्रीन पर यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? ये ऑप्शन है सब। तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है, क्योंकि राष्ट्रपति ही किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, और राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी सहमति लेता है। राज्य के राज्यपाल की सहमति से राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को का क्षेत्रफल भी बढ़ाया जाता है। मतलब राज्य का राज्यपाल अपनी सहमति देता है, जबकि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं होगा, यहाँ राष्ट्रपति होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूची है में संविधान में, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची, 11वीं या 12वीं? तो इसके लिए दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है वो है 10वीं। 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, यह आप याद कर लीजिएगा। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। देखिए, दरअसल बात है यह है कि 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? मतलब जो उस नीति निदेशक तत्व हैं, नीति निदेशक तत्वों को कहाँ, किस देश से लिया गया है? नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है, मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, वैसे ही नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। तो यहाँ यह बोल रहा है कि 42वें संशोधन द्वारा निदेशक तत्वों में क्या नहीं जोड़ा गया है, उसमें क्या नहीं है? तो शोषण से युवाओं और बच्चों की सुरक्षा, यह है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी है। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, यह नहीं है। यह मूल अधिकार में ही समाहित है। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, यह मूल अधिकार में समाहित है। जबकि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये है। तो इसमें सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये नहीं जोड़ा गया है। अगले प्रश्न पे आइए। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष है और उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? यह है ऑप्शन में, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यह बात गलत है। प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, या यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें। देखिए, बात दरअसल यह है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, यदि पूरी जो लोकसभा है अगर कोई प्रस्ताव पारित कर देता है, मतलब हटाने का प्रस्ताव पारित कर देता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही हट सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, एक बार अध्यक्ष चुनने के बाद आगामी लोकसभा के गठन के बाद, मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष अगर आज चुना जाता है तो वह मतलब चुनाव के बाद चुना जाता है
तो लोकसभा अध्यक्ष आगामी चुनाव के बाद जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, जब तक पहला अधिवेशन नहीं हो जाता, तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। यह होता है लोकसभा का अध्यक्ष। और यदि वह किसी कारण लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता तो अपना त्यागपत्र वह उपाध्यक्ष को दे सकता है। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्त का बंटवारा होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा किया जाता है, मतलब जो वित्त का बंटवारा होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। ये सरकारिया आयोग बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही फेमस है सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग क्या है इसे जान लेते हैं। देखिए, दरअसल बात यह है कि सरकारिया आयोग है वह केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध हैं उसको सुधारने के लिए सरकारिया आयोग गठित किया गया था। जो एक न्यायमूर्ति थे रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 24 मार्च 1983 में सरकारिया आयोग बना था, जिसकी समिति ने 24 मार्च 1983 में यह सरकारिया आयोग बना और समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी। उसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वो कैसे हों इस आयोग ने स्पष्ट किया था। 68 देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहते हैं, इसका आशय क्या है? देखिए, बात दरअसल यह है कि संविधान के अनुच्छेद 129 में यह वर्णन है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। और अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य यह होता है कि जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में जो भी सुनवाई होती है, जो भी जजमेंट आ जाए सर्वोच्च न्यायालय में, वह एक लिखित हो जाता है और उसी लिखित आदेश पर बहुत सारे आदेश दिए जा सकते हैं। मतलब उस अगर कोई किसी जजमेंट में अगर वह कुछ कुछ अगर मैं सर्वोच्च न्यायालय के जज ने कोई जजमेंट दे दिया है तो उससे अगर वही जजमेंट अगर वह एक न्यायालय होता है वह एक आदेश हो जाता है, नियम बन जाता है। वो ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का भी शक्ति होती है। 68 देखिए, प्रश्न नंबर 68, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका आशय क्या है? इसके सभी निर्णय का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता, मतलब बी ऑप्शन सही है, ये हम बताए थे आपको। 68 राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक दे? तो संविधान का जो अनुच्छेद 111 है वह राष्ट्रपति को विशेष शक्ति देता है। मतलब संविधान का अनुच्छेद 111 ही कहता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है, किसी विधेयक पर अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, इसका जो उल्लेख है ये संविधान के अनुच्छेद 111 में है। लेकिन राष्ट्रपति किसी विधेयक को रोक सकता है या अनुमति दे सकता है, लेकिन अगर धन विधेयक की बात है तो धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है न पुनर्विचार के लिए दे सकता है, बल्कि अन्य विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है।
प्रश्न नंबर 70 देखिए, लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन नहीं होता है। लोकसभा की कार्रवाई में, जब लोकसभा की कार्रवाई होती है तो उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक शामिल हो सकता है, भारत का अटार्नी जनरल जिसे महान्यायवादी बोलते हैं ये भी शामिल हो सकता है, सॉलिसिटर जनरल जिसे महान्यायाधिकर्ता भी बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल को, ये भी शामिल हो सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का सचिव लोकसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध क्या है? जम्मू कश्मीर राज्य से है। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग द्वारा दिया जाता है। वित्त आयोग द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंध कैसे हों इसका सुझाव वित्त आयोग देता है। देखिए, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1950 को पारित हुआ था। 15 फरवरी 1950 को दल बदल विरोधी अधिनियम पारित हुआ था, 15 फरवरी 1950 को। देखिए, इसमें बात यह है कि जो दल बदल निरोधक अधिनियम आया था ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा आया था। 15 फरवरी 1950 को संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें दल बदल नियमों का उल्लेख किया गया था। और उसके बाद जब 15 फरवरी 1985 को तो दल बदल निरोधक अधिनियम आया था, लेकिन दल उसके बावजूद भी दल बदल होने लगे थे, इसलिए 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें दल बदल करने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई जो भी व्यक्ति दल बदल कर रहा है उसके लिए नियम बना गया कि अगर आप दल बदल करते हैं तो सबसे पहले आप लोकसभा की, आप सदन की सदस्यता खोएंगे, आप सदन के मेंबर नहीं रह जाएंगे। मतलब अगर जैसे ऐसे मान लीजिए जैसे कि अगर बीजेपी है इस समय, तो अगर कोई मेंबर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो वह शौक से जा सकता है, लेकिन सबसे पहले उसको अपना मेंबरशिप खोना पड़ेगा, वह मेंबरशिप नहीं रहेगी उसकी और लोकसभा की। तो यह नियम बना दिए गए थे। अगले प्रश्न पे आइए, प्रश्न नंबर 74 देखिए, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? भारत में जो पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी किस अधिनियम से हुई थी? इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 या काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा हुई थी। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत दिया गया है? समानता का अधिकार, देखिए समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, तो समानता का अधिकार